अमेरिका और यूरोपीय देश चांद पर मिशन भेजकर ठंडे पड़ चुके हैं, तो फिर हम क्यों पागल हुए जा रहे हैं। एक स्पेस मिशन में आधा खर्च लगभग व्हीकल पर होता है और आधा खर्च सिर्फ लॉन्च करने पर आ जाता है। उसमें भी लगभग 40% मिशन फेल हो जाते हैं। फिजिक्स में इतनी नई खोजें हुई जो पिछले हजार सालों में नहीं हुई। 2025 तक चांद पर परमानेंट ह्यूमन स्टेशन बनाने वाला है। क्या नासा और 27 कंट्री के लोग मूर्ख है? स्पेस में पाए जाने वाली सभी उल्काओं में इतना दुर्लभ पदार्थ है कि सिर्फ एक ही उल्का की माइनिंग किसी भी देश को अमेरिका से लाखों गुना अमीर बना सकती है। यही वो सपना है जिसको साकार करने के लिए दुनिया भर की स्पेस एजेंसी पैसा पानी की तरह बहा रही है। आजकल कुछ बुद्धिजीवी ज्ञान दे रहे हैं कि आखिर हम ऐसे चांद पर जाना ही क्यों चाहते हैं, जो धरती का मात्र 1/4 हिस्सा है, जिस पर सूरज की पूरी रोशनी भी नहीं जाती, जिस पर ना तो पीने को पानी है ना सांस लेने जैसा एटमॉस्फेयर। तो क्यों ना पाकिस्तान की तरह फिजूल खर्ची बंद करके गरीबों में कंबल बांट दें। अमेरिका और यूरोपीय देश चांद पर मिशन भेजकर ठंडे पड़ चुके हैं, तो फिर हम क्यों पागल हुए जा रहे हैं। एक तरह से सोचे तो इनकी बात भी सही है। इस तरह के मिशन में हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। एक स्पेस मिशन में आधा खर्च लगभग व्हीकल पर होता है और आधा खर्च सिर्फ लॉन्च करने पर आ जाता है। उसमें भी लगभग 40% मिशन फेल हो जाते हैं। किसी भी ग्रह को पूरा एनालाइज करने के लिए 7 तरीके होते हैं, जिसमें सबकी अपनी इंपोर्टेंसी होती है। पहला जो है ग्रह के पास से फ्लाई करके डेटा इकट्ठा करना। दूसरा उस ग्रह के ऑर्बिट में सैटेलाइट भेजना। तीसरा सरफेस पर इंपैक्ट लैंडिंग करना। चौथा सॉफ्ट लैंडिंग करके एनालिसिस करना। पांचवा जो वहां पर चलकर आसपास से सैंपल का डेटा भेज सके। छठा वहां से सैंपल कलेक्ट करके वापस आना। और सातवा सबसे हार्ड ह्यूमन लैंडिंग कराना, जिसमें अमेरिका के 7 मिशन पूरे हो चुके हैं, रशिया के 6, चाइना के 6, इंडिया के 3। आखिर क्या मिला ये सब करके, इसको कुछ आसान से एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जर्मनी में 23 अप्रैल 1858 को जन्मे साइंटिस्ट मैक्स प्लांक ने ग्रेजुएशन के बाद फिजिक्स फील्ड को चुना, तो किसी ने राय दी कि इस फील्ड में लगभग सभी कुछ खोजा जा चुका है। लेकिन प्लांक ने कहा कि मैं पुरानी चीजें ही सीखना चाहता हूं। और फिर प्लांक के इस फील्ड में आने के बाद फिजिक्स में इतनी नई खोजें हुई जो पिछले हजार सालों में नहीं हुई। कैसे वो देखते हैं। अगर हम एक बल्ब को लगातार गर्म करते रहें, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब बल्ब अल्ट्रावायलेट रोशनी फेंकने लगेगा। मतलब एनर्जी तो कंज्यूम होगी लेकिन विजिबल लाइट हासिल नहीं होगी। उस समय की कुछ इलेक्ट्रिक कंपनियों ने प्लांक के सामने एक ऐसे लाइट सोर्स को बनाने की समस्या रखी जो कम से कम एनर्जी कंज्यूम करके ज्यादा से ज्यादा रोशनी दे सके। इस समस्या पर काम करते हुए मैक्स प्लांक को सिर्फ यही पता करना था कि एक बल्ब से किस टेम्परेचर पर मैक्सिमम विजिबल लाइट अचीव कर सकते हैं। और इसी खोज के दौरान उनको पता चलता है कि जो लाइट है वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स यानी कि क्वांटम में बटी हुई होती है। और सिर्फ एक लाइट बल्ब की प्रॉब्लम सोल्व करते हुए मैक्स प्लांक ने उस क्वांटम साइंस की नींव रख दी जो आज वर्ल्ड में 99% आविष्कारों की जिम्मेदार है। इसी तरह मॉलिक्यूल्स की मैग्नेटिक रेजोनेंस की खोज करते हुए आइजक रवि ने कभी नहीं सोचा था कि उनके प्रिंसिपल को यूज करके मॉडर्न मेडिकल साइंस में से मोस्ट यूजफुल चीजों में से एक यानी MRI मशीन बनाई जाएगी। दूर अंतरिक्ष में ब्लैक होल्स को एक्सरे स्पेक्ट्रम में देखने की कोशिश कर रहे वैज्ञानिक ने कब सोचा था कि एक दिन उसकी खोज दुनिया भर के रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस अड्डे आदि की सिक्योरिटी में एक्सरे स्कैनर का काम करेगी। हजारों एग्जाम्पल ऐसे हैं जो साइंस के इस चलन को साबित करते हैं कि एक तकनीक जन्म लेते समय बेशक गैर जरूरी लगे, पर समय के साथ वो तकनीक 100 आविष्कारों को जन्म देकर मानव जाति की समृद्धि का रास्ता खोल देती है। अपोलो मिशन से पहले वर्ल्ड के सभी एरोप्लेन वायर केबल पुल्ली और रॉड पर बेस्ड मैकेनिकल सिस्टम से उड़ाए जाते थे, पर उसके बाद अपोलो 11 में नासा ने पहली बार डिजिटल टेक्निक पर बेस्ड फ्लाई बाय वायर सिस्टम को स्पेसशिप के कंट्रोल से जोड़ा। और कुछ ही सालों में ये तकनीक विश्व के सभी एरोप्लेन ने यूज की, जिससे नई इंडस्ट्रीज का जन्म हुआ और एरोप्लेन उड़ाना और भी ज्यादा इजी और आसान हो गया। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। पिछली सेंचुरी के 60वें दशक में अपोलो मिशन ने नासा को सिर्फ स्पेस रेस ही नहीं जिताई, बल्कि तब से लेकर अब तक अमेरिका में कम्युनिकेशंस, सोलर पावर, फूड पैकेजिंग, वाटर प्यूरिफिकेशन, कोर्डलेस पावर टूल्स, प्रोटेक्टिव कोटिंग्स, ब्रीदिंग इक्विपमेंट, फैब्रिक स्ट्रक्चर जैसे 2000 से भी ज्यादा खोजी हुई, जिसकी टेक्निक के तार मूल रूप से अपोलो मिशन से जुड़े हुए थे। इन सभी खोजों की लिस्ट आप नासा की वेबसाइट पर देख सकते हैं। आज पृथ्वी से 384,000 किलोमीटर दूर मौजूद चांद पर पानी और मिनरल्स की खोज कर रहे भारतीय चंद्रयान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिमोट सेंसिंग, रिमोट नेविगेशन, डिजिटल कंट्रोल ड्राइविंग, हीट शील्डिंग और दूर ग्रहों पर रिमोट माइनिंग जैसी टेक्निक प्रोग्रेस नहीं होगी, नई इंडस्ट्रीज जन्म नहीं लेंगी, रोजगार नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। इस तरह के मिशंस के कई साइंटिफिक और जियोपॉलिटिकल रीजन होते हैं, पर इसे देखने के लिए दूर दृष्टि चाहिए। बात रही अमेरिका और यूरोपीय देशों के ठंडे पड़ने की, तो यह सरासर झूठ है। दरअसल विघ्न संतोषी लोग सभी जगह पर पाए जाते हैं। एक
महंगा देश होने के कारण अमेरिका में एक स्पेस मिशन में अरबों डॉलर का खर्च आ रहा था। लिमिटेड टेक्नोलॉजी होने के कारण कुछ ज्यादा खास हासिल भी नहीं हो रहा था। कोल्ड वॉर खत्म हो चुका था, इसलिए साथ मुकाबला करने वाला कोई था नहीं, जिस वजह से अमेरिका को मजा आना बंद हो गया। इसलिए सक्सेसफुल अपोलो मिशन के बाद रुद्रालयों के दबाव में आकर अमेरिका ने नासा का बजट कम कर दिया। नासा ने इस पैसे का सदुपयोग करते हुए पिछले दशकों में सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रहों की ओर मिशन भेजने पर ज्यादा ध्यान लगाया। इसका मतलब ये नहीं कि वो चांद को भूल गया। पता नहीं बुद्धिजीवियों को ये पता है भी या वो बताना नहीं चाहते। आज वर्ल्ड की 27 कंट्रियों के साथ मिलकर नासा 2025 तक चांद पर परमानेंट ह्यूमन स्टेशन बनाने वाला है। इस मिशन के महत्व का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस पर अमेरिका के टोटल 8,00,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। क्या नासा और 27 कंट्री के लोग मूर्ख हैं जो इतना पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं? आखिर पूरा वर्ल्ड चांद में इतना रुचि क्यों ले रहा है? आज इसरो का सबसे पावरफुल रॉकेट LMV-3 लूनर ट्रांसफर ऑर्बिट में 4,000 किलो वजन पहुंचाने की कैपेसिटी रखता है। पर आपको पता होना चाहिए कि उड़ान भरते समय इस रॉकेट का वजन 6,40,000 किलो होता है। मतलब रॉकेट का 99% फ्यूल सिर्फ और सिर्फ रॉकेट को पृथ्वी से बाहर निकालने में वेस्ट होता है। ये प्रॉब्लम वर्ल्ड के हर रॉकेट के साथ है, जिसकी वजह से एक स्पेस मिशन को भेजने में फ्यूल, पैसे और अदर रिसोर्सेज की भयंकर बर्बादी होती है। सोलर सिस्टम की हदों को नापना है तो सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, चांद पर स्पेस स्टेशन बनाकर वहीं से स्पेस मिशन को अंजाम दिया जाए। बिल्कुल ही कम ग्रेविटी और हवा की गैर मौजूदगी के कारण चांद से भेजे गए सभी स्पेस मिशन की कीमत पृथ्वी की तुलना में न के बराबर होगी। यही वो सपना है जिसको साकार करने के लिए दुनिया भर की स्पेस एजेंसी पैसा पानी की तरह बहा रही है, क्योंकि हर कोई जानता है कि सुख समृद्धि और दुनिया पर राज करने का रास्ता स्पेस से होके गुजरता है। चाइना मून मिशन द्वारा लाए गए सैंपल से हीलियम-3 मिलता है, जिससे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, जिससे पूरी दुनिया की एनर्जी प्रॉब्लम लगभग 10,000 सालों के लिए सॉल्व हो सकती है। स्पेस में पाए जाने वाली सभी उल्काओं में इतना दुर्लभ पदार्थ है कि सिर्फ एक ही उल्का की माइनिंग किसी भी देश को अमेरिका से लाखों गुना अमीर बना सकती है। यही कारण है कि इसरो भी और देशों के मुकाबले कम बजट होने के बावजूद एक एक मिशन अचीव करती जा रही है। इसके साथ ही 2024 तक मून के लिए गगनयान के थ्रू मैन मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। भारत वर्ल्ड का पहला देश है जो पता लगाने वाला है कि चांद पर स्पेस स्टेशन बनाने के लिए एसेंशियल मिनरल्स और पानी वहाँ है या नहीं। जिस जमीन पर स्टेशन बनाना है वहाँ की जियो स्टेबिलिटी और सोलर रेडिएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं। और इन सबका खर्चा सिर्फ 600 करोड़ रुपए, जो हमारे देश के कुल खर्च का 0.01% भी है। इसरो ने इतना धन खर्च किया है तो पिछले कुछ सालों में दूसरे देशों के सैटेलाइट को लॉन्च करके 2,000 करोड़ का प्रॉफिट देश को कमा कर दिया है। इसके बावजूद कुछ दुर्बुद्धि चंद्रयान के मिशन को फिजूल खर्ची बताकर वो पैसा गरीबों में कंबल बांट देने के लिए कहते हैं। सोचे आज से हजारों साल पहले जब मानव ने पहली बार गुफाओं से निकलकर अज्ञात की खोज पर निकलने का बीड़ा उठाया होगा, तो कोई तो होगा जो कहता होगा कि बाहर क्या रखा है, यही गुफा में इतनी समस्या है, खाने को रोटी नहीं है, बाहर जाके क्या हासिल करेगा। अगर मनुष्य ने उस आवाज को अनसुना कर अपने जीवन को दांव पर लगाकर नदियां पहाड़ और जल पर्वत लांघने का साहस न किया होता तो शायद आज भी हम गुफाओं की खाक छान रहे होते। इसलिए कुछ आवाजों को अनसुना कर देना ही मानव हित है, क्योंकि नंबर 2 पर आने वाले को हिस्ट्री में कोई भी रजिस्टर नहीं करता।